doctors, welcome, and today we are going to discuss hereditary spherocytosis, the second episode in our series of anemia pathology. Okay, so what is hereditary spherocytosis? सबसे पहले अपन इसके नाम में देखते हैं, संधि विच्छेद अगर करें इसका, हेरिडिट्री एंड द स्फीरोसाइटोसिस. हेरिडिट्री मीन्स समथिंग दैट पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर, दैट इज रन्स इन फैमिली. ओके, तो इट इज सिमिलर टू फैमिलियल. तो ऐसी जो डिसीजेज होती है ना जिनके नाम में हेरिडिट्री आता है, जैसे हेरिडिट्री स्फीरोसाइटोसिस या हेरिडिट्री हेमरेजिक टेलेंजिक्टेसिया या फिर फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोनीमिया या फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाय, दे ऑल हैव द सिमिलर इनहेरिटेंस पैटर्न, दैट इज द ऑटोसोमल डोमिनेंट. इसीलिए तो उसे फैमिलियल बोलेंगे, क्योंकि हर फैमिली की हर जनरेशन में देखने के लिए मिलेगा. ओके, अब अगला आते हैं अपन स्फीरोसाइटोसिस. स्फीरोसाइटोसिस का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें स्फीयर्स बहुत सारे देखने के लिए मिल रहे हैं. आरबीसीज जो हैं वो स्फेरिकल हो चुकी हैं. ओके, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्फीरोसाइट्स इन द ब्लड. ओके, नॉर्मल आरबीसी का शेप कैसा होता है अपन शुरू से पढ़ते आए हैं. ओके, नॉर्मल आरबीसीज बाय कॉनकेव. सो ये हमारा नॉर्मल आरबीसी है बाय कॉनकेव. ओके, उसकी बायकॉनकेव आरबीसी जो होता है उसकी खासियत क्या होती है? पहली चीज, डिफॉर्मेबल होता है. ओके, ये समझिए, यहाँ पे आरबीसी कुछ इस टाइप का होता है. दिस इज डिस्क जैसा बायकॉनकेव और बीच में से थोड़ा सा दबाव है दोनों साइड से. अब क्या अगर कुछ भी मेम्ब्रेन में इसके कोई भी डिफेक्ट होता है, पैथोलॉजी होती है उसकी डिस्कस हम करेंगे, तो उसकी वजह से इसकी मेम्ब्रेन डैमेज होती है और ये एक स्फीयर का शेप ले लेता है. ओके, तो दिस बिकम्स स्फेरिकल लाइक दिस. ओके, ये गोलू मोलू, देर इज नो मोर स्पेस टू एक्सपांड. ओके, तो अगर थोड़ी सी भी इसमें अगर लाइक अपनों ने नॉर्मोटोनिक हाइपोटोनिक सलाइन में इसे रखा तो और ज़्यादा एक्सपांशन ये नहीं ले पाएगा और उसकी वजह से इजी बस्टिंग हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी. ओके, सो नाउ दिस आरबीसी विच इज स्फीरोसाइट स्फीरोइडल, इट हैज़ अ लेजर लाइफ स्पान ऑफ 10 to 20 days ओनली. ओके, नॉर्मल आरबीसी लाइफ स्पान इज 1 to 20 days. लेस डिफॉर्मेबल होती है, क्यों? क्योंकि जो बायकॉनकेव शेप होता है आरबीसी का वही उसे डिफॉर्मेबिलिटी प्रोवाइड करता है. तो उसकी वजह से कैपिलरीज से निकल रही है, स्प्लीन के माइक्रोवेस्कुलेचर से निकल रही है, तो आरबीसी डिफॉर्म होकर जैसे तैसे करके निकल जाती है. पर अब ऑब्वियसली इतना बड़ा शेप उसने ले लिया है, पूरा स्फीयर बन चुकी है, एंड देयर इज नो स्पेस कि उसको आप कैसे भी कंप्रेस करोगे वो बस्ट हो जाएगी. सो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है आरबीसी. ओके, स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस के लिए भी और दूसरा अपने दूसरे ऑस्मोटिक लाइसिस के लिए भी. अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली देखें कि मेम्ब्रेन डिफेक्ट है क्या. ओके, तो ये रॉबिन्स का चार्ट है हमारा, जैसा कि ये मैंने बताया था कि दिस इज योर बाय कॉनकेव शेप ऑफ द आरबीसी, एंड आरबीसी की मेम्ब्रेन को अगर हम डिटेल में देखें तो कुछ इस तरीके की होती है. अब यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए सबसे पहला प्रोटीन यहाँ पे देखिए, ये अल्फा सब यूनिट है एक प्रोटीन की, दिस इज द बीटा सब यूनिट, एंड द बोथ यहाँ पे भी फिर अगेन अल्फा एंड बीटा, और ये हेड जोन पे एक दूसरे से अटैच्ड है. ओके, मेकिंग अ टेट्रामर. तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है स्पेक्ट्रिन. तो आप जब भी आप स्पेक्ट्रिन सुनेंगे ना तो आपके मन में आना चाहिए, राइम करता हूँ, स्पेक्ट्रिन स्पेक्ट्रिन. ओके, ट्रिन यानी टेट्रामर, तो स्पेक्ट्रिन टेट्रामर है. ओके, इस चीज़ को मगअप करना है आपको. तो ये स्पेक्ट्रिन टेट्रामर वाला आपका ये प्रोटीन होता है. दूसरी चीज़ होती है ये आपका एंकायरिन, एंकायरिन एंकर, इसका मतलब होता है एंकर. अब देखो ये मेरा लो बजट एंकर बताता हूँ आपको, कुछ इस टाइप के शेप के एंकर होते हैं. ओके, एंकर्स का काम क्या होता है, एंकर्स की हेल्प से हम जो ये स्पेक्ट्रिन के मॉलिक्यूल्स हैं इनको हैंग कर सकते हैं लाइक दिस. ओके, तो अगर इस स्पेक्ट्रिन जो यहाँ पे देखिए, ये भी सेम यहाँ पे एक एंकायरिन जो है ये स्पेक्ट्रिन को हैंग कर रहा है, तो दिस एंकायरिन इसमें भी डिफेक्ट हो सकता है. ठीक है, उसकी बात अपन अलग से करेंगे. उसके बाद आपको बैंड के 3 मॉलिक्यूल्स याद रखना है, बैंड 3, बैंड 4.2 एंड बैंड 4.1. ओके, सो दिस इज योर बैंड 4.1, दिस इज 4.2 एंड दिस इज योर बैंड 3. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो बैंड 3 है ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ग्लाइकोफोरिन ए भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है. ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब है जो सेल मेम्ब्रेन है आरबीसी की उसके थ्रू एंड थ्रू सिचुएटेड है, जबकि एंकायरिन 4.2, 4.1 है ना, और स्पेक्ट्रिन, दिस ऑल आर योर पेरिफेरल प्रोटीन्स. ओके, अब हम आगे देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, जो मैंने बताया था उसी चीज़ को वर्ड्स में लिखा है, अगर आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं.
प्रोटीन पेरिफेरल एंड इंटीग्रल दो होते हैं, आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन की बात की जा रही है, ओके। इसमें से एंकाइरिन स्पेक्ट्रिन प्रोटीन 4.1 4.2 आर पेरिफेरल, वेयर इज इंटीग्रिन इंटीग्रल में क्या आते हैं, जो अंदर की तरफ है, मतलब जो उसके ट्रांस मेम्ब्रेन है जिसे हमने इंटीग्रल बोला था, ओके। दिज आर बैंड थ्री एंड ग्लाइकोफोरिन। अब एक क्वेश्चन सेंट्रल एग्जाम में पूछा था, इसमें से कोई से भी तीन प्रोटीन के नाम दे दिए थे और चौथा था ग्लाइकोफोरिन, और बोला था बताइए कि हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में लिस्ट लाइकली किस में डिफेक्ट होगा, यानी किस में डिफेक्ट नहीं होता। तो ऑलमोस्ट नेवर अफेक्टेड इज योर ग्लाइकोफोरिन, इसमें कभी भी डिफेक्ट नहीं होता, इसके अलावा सब में होता है। और इसके अलावा भी सबसे पहला जो है यानी ए, ओके, ए इज द फर्स्ट अल्फाबेट एंड दिस इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन, इसलिए सबसे पहले लिखा है, इट इज मोस्ट कॉमन डिफेक्ट एनकाइरिन। अब देखिए, नेचर का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जो चीज़ मोस्ट कॉमन होती है वो कभी मोस्ट सीवियर नहीं होती, ओके, और जो चीज़ मोस्ट सीवियर होती है वो सिमिलरली कॉमन नहीं होती। तो स्पेक्ट्रिन की बात करें तो स्पेक्ट्रिन इज मोस्ट अबंडेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन, अगेन आपने सोच ही लिया होगा कि स्पेक्ट्रिन टेट्रामर, ओके। हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोस, इसमें हेरिडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस होता है, ओके, इलिप्टिकल आरबीसीज बन जाते हैं और ये मोस्ट सीवियर फॉर्म होता है। ज़्यादा डिटेल की हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, ओके। ये अगेन रॉबिन से फ्लो चार्ट लिया है। अब देखिए, प्राइमरी मेम्ब्रेन स्केलेटल डिफेक्ट, आरबीसी की मेम्ब्रेन में कोई भी प्राइमरी डिफेक्ट हुआ उसकी वजह से मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, ओके, उसकी और साथ उसकी वजह से मेम्ब्रेन का लॉस होता है एंड डिक्रीज इन द सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, दैट इज स्फीरोसाइटोसिस। इसको समझिए, ये अगेन आपकी कोई भी वो है, ठीक है, इलिप्ट बायकॉनकेव नॉर्मल आरबीसी है। अब इसका सरफेस एरिया तो वही है, लेकिन अगर ये स्फीरोसाइट बन जाती है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सेम सरफेस एरिया के लिए वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम सरफेस एरिया बट वॉल्यूम बढ़ गया, तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो विल डिक्रीज, ओके। डिफॉर्मेबिलिटी विल डिक्रीज, इजीली रप्चर हो जाएगी कभी भी कहीं से भी पास होगी तो, ठीक है। और कहाँ से सबसे ज़्यादा इसका मतलब आरबीसी को कौन खाता है, तो हमारी स्प्लीन खाती है, तो स्प्लीन में बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होगी, ओके, और स्प्लीन में ट्रैपिंग के साथ साथ इरिथ्रोस्टेसिस होगा स्प्लीन में, वहाँ पे हमारी आरबीसी जब जाएगी तो वो थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा ठहरेगी तो उसका खुद का ग्लूकोज और खुद का मतलब ग्लूकोज भी कम हो जाएगा उसमें, यूज्ड अप हो जाएगा उसका, और उसका पीएच भी कम हो जाता है, ओके। देन दे आर इजीली फेगोसाइटोज्ड, और इससे अब देखो एक हीमोलिसिस होता है जो ब्लड वेसल्स एओर्टा पल्मोनरी इसमें आपकी आरबीसीज में लाइसिस होता है, पर यहाँ पे लाइसिस आपके सर्कुलेटरी जो वेसल्स हैं उसमें नहीं हो रहा है, वो जा रहा है स्प्लीन में, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वेस्क्युलर हीमोलिसिस, ओके। तो यहाँ पे मेजर विलन कौन हो गया हमारा, मेजर विलन है भाई साहब ये आपकी स्प्लीन, ओके। तो क्या करें, स्प्लीन को निकाल देते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ पोटेंशियल आंसर, मतलब लाइक बहुत क्यूरेटिव नहीं है, पर इसमें क्या होगा कि अगर आप स्प्लीनेक्टोमी करते हैं तो स्फीरोसाइटोसिस परसिस्ट करेगा स्प्लीन को निकालने से, ऐसा नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन के डिफेक्ट ना आएंगे, वो तो है हेरिडिटरी है, लेकिन एनीमिया करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अब वो जो स्फीरोसाइट्स हैं वो आराम से घूमेंगे पेरिफेरी में, उनका काम करेंगे, ओके। तो एनीमिया के फीचर्स को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एक और छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे समझते हैं कि जब इरिथ्रोस्टेसिस होता है तो स्प्लीन के अंदर ही, ओके, पीएच चेंजेस हो रहे हैं, उसके साथ डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जो आपकी आरबीसी है उसमें से पोटेशियम और वाटर बाहर निकल जाता है। अब देखो आरबीसी का अंदर हीमोग्लोबिन उतना ही था, ठीक है, अब और लाइसिस हो रहा है तो ओवरऑल बॉडी का हीमोग्लोबिन तो कम हो गया है, पर एक सिंगल आरबीसी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाने की वजह से रिलेटिवली हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं इस चीज को, देयरफॉर MCHC के लेवल बढ़ जाते हैं, ओके। तो ये काफी कंफ्यूजिंग लगता है कि हाँ हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस एनीमिया है, फिर MCHC क्यों बढ़ रहा है, ओके। तो इसे ध्यान रखिए, सेंट्रल एग्जाम्स में ये भी कई बार पूछा गया है। अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं और जो इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी, दैट इज़ द मॉर्फोलॉजी, ओके। अब अपन नॉर्मल आरबीसी की बात करें, नॉर्मल आरबीसी की कैसे पहचानते हो आप, बाय कौन के होती है, ओके, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल आरबीसी जो कि है बाय कॉनकेव, और ये हीमोग्लोबिन इसका पोर्शन, हीमोग्लोबिन ज़्यादातर पेरीफेरी में थोड़ा सिचुएटेड होता है, सेंटर में से जहाँ से ये थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से दबा हुआ होता है। अब क्या होता है कि अगर अपन इसको देखें
तो जनरली ये जो सेंटर पोर्शन दबा हुआ है इसमें पिलार देखने के लिए मिलती है हमें। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो ऑब्वियसली लाइट जो है यहाँ से इजीली ट्रेवल आउट हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसका कलर जो है वो उतना डार्क नहीं होगा जितना पेरीफेरी का होगा, ठीक है। जबकि दूसरी बात करें स्पीरोसाइट की, स्पीरोसाइट में पूरा इतना मोटा हो चुका है और पूरे में हीमोग्लोबिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि पूरा की पूरा आरबीसी आपको काफ़ी ज़्यादा सॉलिड स्टेन करा हुआ दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये वाला आरबीसी जैसे है इसमें आप सेंट्रल पिलार देख सकते हैं, जबकि ये देखिए ये हमारा दे एकदम सॉलिड है, डार्कली स्टेंड अपसेंट सेंट्रल पिलार स्फीरोसाइट ऑल्सो। अच्छा, स्फीरोसाइट जो है यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया में भी देखने के लिए मिलते हैं, बर्न के पेशेंट्स में भी देखने के लिए मिलते हैं। ओके, सो दिस वॉज अबाउट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल पिक्चर। ओके, अब देखिए अगर एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस हो रहा है तो क्या बिलीवर्डिन निकलेगा, बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा, बाइल पिगमेंट्स बनेंगे, तो उसकी वजह से बाइल पिगमेंट ज्यादा बन रहे हैं और कोलीलिथियासिस देखने के लिए मिलेगा आपको। डन, कोलीलिथियासिस, ब्लैक पिगमेंटेड गॉल स्टोन्स, ये हीमोलिसिस में हमेशा देखने के लिए मिलता ही है कोलीलिथियासिस। साथ में स्प्लीनोमिगेली होगी, स्प्लीन में वर्कलोड बढ़ गया है, अब ज़्यादा आरबीसी को मारना पड़ रहा है, उसके बाद इतनी मारना पड़ रही है, उसके बाद भी फिर भी आरबीसीज जो हैं वो एक्यूमुलेट होती जा रही है स्प्लीन में। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो स्प्लीनोमिगेली के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट ट्रायड यहाँ पे है एनीमिया, स्प्लीनोमिगेली और सेम हिमोलिसिस की वजह से जो बाइल पिगमेंट्स बन रहे हैं उसकी वजह से जॉइंडिस, अगर सीवियर केस है तो बाय बर्थ जॉइंडिस प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द डायग्नोसिस पोर्शन। फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, नाम ही है हेरिडिटरी, तो ऑब्वियसली फैमिली हिस्ट्री मिलेगी, है ना। देयर विल बी अ जनरेशन टू जनरेशन इन्वॉल्वमेंट। हेमेटोलॉजी पे हमने देखा कि कैसी पिक्चर मिलेगी, MCHC बढ़ा हुआ मिलता है और साथ में जो उसकी ब्लड स्मियर है उस पर क्या फाइंडिंग मिलेगी वो भी हमने देख लिया। देन ऑस्मोटिक लाइसिस टेस्ट, ओके, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी बढ़ी हुई मिलेगी, क्यों मिलेगी ऊपर हम समझ चुके हैं। अब ये है ना, कभी कभी एक एग्जाम कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को यहीं पर डिस्कस करके क्लोज करते हैं अपन। आइए, ईओसिन 5-मेलिमाइड टेस्ट, ये क्या होता है? तो एक्चुअली ईओसिन 5-मेलिमाइड है ना एक टाइप की डाई होती है जो कि आरबीसी को जो सेल मेम्ब्रेन है उसको स्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे मेम्ब्रेन में ही डिफेक्ट है, तो ऑब्वियसली फ्लो साइटोमीटर के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कितनी सेल्स नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन वाली है और कितनी डिफेक्टिव है, ठीक है। ज़्यादा एक उसकी डिटेल में और ग्राफ्स की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर बस ये याद रखेगी ये एक फ्लो साइटोमीटरी बेस्ड टेस्ट होता है। कमिंग नेक्स्ट टू द एप्लास्टिक क्राइसिस, ओके, एप्लास्टिक क्राइसिस इट इज ट्रिगर्ड बाय एक्यूट पार्वोवायरस इन्फेक्शन, और कैसे प्रेजेंट करता है, सडन वर्सनिंग ऑफ द एनीमिया। इसके अलावा दूसरी क्राइसिस जो है वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एटसेट्रा से भी रिलेटेड हो सकती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू नॉट हैव सब्सक्राइब्ड येट। थैंक यू सो मच।